इस वीडियो में हम थानोस के कुछ अल्टरनेट वर्जन्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। तो अब शुरू करते हैं। रूलर थानोस। ये थानोस एक अल्टरनेट रियलिटी से है। इस रियलिटी में थानोस ने अर्थ के सारे सुपर हीरोज को मार दिया है। अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के बाद थानोस दूसरे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने निकल जाता है। इस रियलिटी में गैलेक्टस भी थानोस को डिफीट नहीं कर पाता है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस रियलिटी का थानोस कितना पावरफुल है। अल्टीमेट थानोस। इस यूनिवर्स के थानोस के पास एक कॉस्मिक क्यूब है। इस कॉस्मिक क्यूब की मदद से उसने आधे से ज़्यादा यूनिवर्स को कॉन्कर किया है। अल्टीमेट थानोस के पास दूसरे पावर्स भी है, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ, माइंड कंट्रोल, एनर्जी ब्लास्ट, जिसकी मदद से वो अपने आप को रेजरेक्ट कर सकता है। कॉस्मिक अवेयरनेस। इस पावर की मदद से उसे पता चलता है कि यूनिवर्स में क्या हो रहा है। थर्मोस। मार्वल के पैरेडी कॉमिक वॉट दी में कई हीरोज और विलन्स को एक न्यू मेकओवर मिला, जिसमें उनके नाम और स्टोरीज चेंज हो गए। तो इस रियलिटी में थानोस बन गया थर्मोस। इस रियलिटी में थर्मोस को इन्फिनिटी मिट चाहिए, जिसकी मदद से वो हीरोज को ग्रिल कर सके। इन्फिनिटी मिट असल में इन्फिनिटी गॉन्डलेट का एक पैरेडी वर्जन है। अवेंजर्स थानोस। थानोस इशू 10 कॉमिक में थानोस अवेंजर्स की टीम ज्वाइन करता है। इस रियलिटी में थानोस एक गुड गाय है और अर्थ का ग्रेटेस्ट चैंपियन। इस अल्टरनेट रियलिटी को सिस्टर्स ऑफ इटर्निटी ने क्रिएट किया था थानोस के लिए। सिस्टर्स ऑफ इटर्निटी ने उसके सामने एक ऑफर रखा था कि उसके पावर्स के बदले वो इस अल्टरनेट रियलिटी में रह सकता है, पर थानोस ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। कैप्टन अमेरिका थानोस। व्हाट इफ इन्फिनिटी थानोस। इस कॉमिक में थानोस अवेंजर्स की टीम ज्वाइन करता है एक एंशिएंट एलियन रेस से फाइट करने के लिए, लेकिन कैप्टन अमेरिका को पता चलता है कि थानोस ने अवेंजर्स की टीम ज्वाइन की अपने फायदे के लिए। सीक्रेट रिवील होने के बाद थानोस कैप्टन अमेरिका को मार देता है और अवेंजर्स से कहता है कि कैप की डेथ हो गई बैटल में। इसके बाद से अवेंजर्स थानोस को ट्रस्ट करने लगते हैं और आगे जाके वो इस टीम का लीडर बनता है और कैप्टन अमेरिका की आइडेंटिटी भी अडॉप्ट करता है। तो इस तरीके से कैप्टन अमेरिका थानोस क्रिएट होता है। थानोसाइड। ये कैरेक्टर अमेलगम यूनिवर्स को बिलोंग करता है। इस अमेलगम यूनिवर्स में मार्वल और डीसी ने अपने कैरेक्टर्स को कंबाइन किया और एक न्यू कैरेक्टर क्रिएट किया। तो यहाँ पे उन्होंने डार्क साइड और थानोस को कंबाइन किया और थानोसाइड क्रिएट किया। ये कैरेक्टर भी काफ़ी पावरफुल है। थानोसाइड भी इस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहता है लेडी डेथ के लिए, लेकिन इस यूनिवर्स में इन्फिनिटी स्टोन्स के बदले थानोसाइड अल्टीमेट एंटी लाइफ नलीफायर यूज करने की सोचता है। जॉम्बी थानोस। मार्वल के जॉम्बी यूनिवर्स में थानोस भी जॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट हो जाता है और जॉम्बी थानोस में चेंज होता है। ये जो थानोस का वर्जन है वो दूसरे थानोस के वर्जन से काफ़ी वीक है। इस यूनिवर्स में जॉम्बी हल्क जॉम्बी थानोस को एक ही पंच में मार देता है, तो इससे आपको पता चल ही गया होगा कि यह थानोस का वर्जन कितना वीक है। कैंसर वर्स थानोस। मार्वल के कैंसर वर्स यूनिवर्स में डेथ हार जाती है, तो इस वजह से इस यूनिवर्स में कोई मरता नहीं है, लेकिन यहाँ पे सारे लोगों का माइंड करप्ट होता है, जिस वजह से सारे लोग एक माइंडलेस क्रीचर में चेंज होते हैं और थानोस भी एक माइंडलेस क्रीचर में चेंज होता है। इस यूनिवर्स का थानोस ओरिजिनल थानोस से काफ़ी पावरफुल है और इसका अपीयरेंस भी थोड़ा अलग है, जैसे कि इसके चेस्ट पे एक बहुत बड़ा स्कार है। थानोस क्लोन। कॉमिक में एक पॉइंट में थानोस ने अपने क्लोन्स क्रिएट किए अपने एनिमीज की डीएनए की मदद से। थानोस ने टोनी स्टार्क, प्रोफेसर एक्स, डॉक्टर स्ट्रेंज, गैलेक्टस और ग्लेडिएटर के डीएनए की मदद से क्लोन्स की एक आर्मी क्रिएट की, लेकिन थानोस को लगा कि ये क्लोन्स काफी वीक है, तो उसने इन सारे क्लोन्स को सील कर दिया। तो ये थे कुछ थानोस के अल्टरनेट वर्जन्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।